पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब गायत्री परिवार ने एक पहल शुरू करते हुए वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा शहर में निकालकर एक जागरूकता का संदेश आम जन को दिया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर गायत्री परिवार के करीब 400 से अधिक लोगों ने वृक्षों की कांवड़ यात्रा बना करके एक साथ शहर में निकले, जो सहसापुर स्थित गायत्री चेतना केंद्र पर संपन्न हुई। यह यात्रा गायत्री पीठ मंदिर जेल रोड से निकली थी। यात्रा का उद्देश्य था कि सावन माह में अधिक से अधिक लोग पौधरोपण करें, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। यह यात्रा निकाल रहे गायत्री परिवार के सदस्यों ने आइंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। आज आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य आप लोगों का ये यात्रा? ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में युग को बदलने के लिए युग निर्माण योजना चलाई जाती है, जिसके सप्त सूत्री आंदोलन हैं। उनमें से सबसे प्रमुख एक आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन, जिसको हम सभी गायत्री परिजन वृक्ष गंगा अभियान के रूप में चलाते हैं। ये वृक्ष गंगा अभियान अनेकानेक नए नए रूपों में भी चलाया जा रहा है, और उसी का एक नया रूप है ये सावन महीने की वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा। इस वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग पौधों की यात्रा निकाल करके समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सावन महीने में अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए, और सच्चे अर्थों में यही धार्मिकता है और यही आस्तिकता है। ये वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा सीतापुर में गायत्री चेतना केंद्र तक जाएगी, गायत्री शक्तिपीठ जेल रोड सीतापुर से शुरू होके बाकी ये उत्तर प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है, और अन्य जनपदों में भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। अनुराग मौर्य, मीडिया प्रभारी प्रांतीय प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। ये यात्रा हमारी गायत्री शक्तिपीठ जेल रोड से और गायत्री चेतना केंद्र संत नगर सहसापुर तक जाएगी। ये आज वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा, जो भगवान शंकर का सबसे उनको कहा जाता है कि वो विष हरता हैं, तो उनके विष को हरने के लिए जो कांवड़ का आज विकृत स्वरूप हो गया, उस स्वरूप को एक सही दिशा देने के लिए युवाओं गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले से लगभग 400 भाई बहन आए हुए हैं, जो वृक्षों की कांवड़ बना करके और उसे भगवान शंकर का स्वरूप मान करके और अपने कंधों पर रख करके यहाँ से जाएंगे, और पूरे ज़िले को एक संदेश देते हुए कि कांवड़ का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो हमारे शरीर से जो हम श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, उस विष को पीने का काम वो वृक्ष करते हैं। इसलिए तरुपुत्र और तरुमित्र के रूप में हम उस पौधे को लगा रहे हैं, और उन्हें पुत्र के रूप में और मित्र के रूप में पालते और पोसते भी हैं। आपका नाम? गंगा सागर वर्मा। ये यात्रा गायत्री शक्तिपीठ जेल रोड सीतापुर से निकलेगी, और हमारा जो दूसरा संस्थान है गायत्री चेतना केंद्र संत नगर सहसापुर में डालडा मिल के पीछे, वहाँ तक हमारी 6 किलोमीटर की पदयात्रा होगी।